आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। श्यामागढ़ में आजकल दुकानदारों ने राजा मंडी की तर्ज पर अपने अपने काउंटर को 4 से 5 फुट दुकानों से बाहर निकाल लिया है। इससे बाजार में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जरा इस मार्केट को देखिए। इस मार्केट का नाम है शाह मार्केट। नाम तो रॉयल है लेकिन दुकानदारों की हरकतें रॉयल नहीं। जी हाँ, जरा सभी दुकानदारों को देखिए। सभी ने अपनी अपनी दुकानों के सामने या तो अपना काउंटर 5 फीट बाहर निकाल रखा है या फिर काउंटर किराए पर लगवा दिए हैं। सूत्रों की माने तो एक काउंटर से 10,000 से लेकर 16,000 रुपए तक किराया लिया जाता है। इस संबंध में दुकानों के बाहर काउंटर निकाल कर बैठे दुकानदारों से पूछा गया तो उनका जवाब क्या रहा, आइए सुनते हैं। सभी के रखे हुए सर, परमिशन तो किसी के पास नहीं है। परमिशन तो किसी के पास नहीं है, गलत है। ऐसा ही कुछ नजारा राजा मंडी बाजार का है। जो जगह ग्राहकों को चलने के लिए छोड़ी गई है उस पर लोगों ने काउंटर लगा दिए हैं। इससे कई बार झगड़ा भी हो चुका है। बाहर काउंटर लगाना गलत है, ये बात सभी दुकानदार स्वीकारते हैं, लेकिन एक दूसरे की देखा देखी लोगों ने आगे काउंटर निकाल दिए हैं। इससे लोगों को चलने में काफी दिक्कत आती है, लेकिन ये स्थिति खत्म होने की बजाय दिनों दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। सही भी है गलत भी है। सही क्या है, गलत क्या, दोनों फर्क है। दोनों चीज़ में फ़र्क है। अगर दूसरे ने लगा रखा है, दूसरे मान लो किसी आंगन वाले ने लगा रखा है काउंटर और वो नहीं, दूसरा वाला नहीं निकालेगा तो उसका काउंटर तो वैसे ही दब जाएगी, उसकी दुकान तो वैसे ही दब जाएगी। अंदर कैसे होगा? अंदर तो सर हो ही नहीं सकता, मार्केट वालों को हो ही नहीं सकता। ये हम तो अगर देखते हैं अंदर, सामने वाला नहीं करेगा। जब दुकानदारों से पूछा गया तो सभी कैमरे के सामने बोलने से कतराते रहे। दूसरी तरफ इस लोहे की जाली को देखिए। जगह नहीं बचने की वजह से लोगों को इस तरह की लोहे की जाली पर चलकर जाना पड़ता है। इससे कभी भी जाली टूट सकती है और अगर जाली टूटी तो कभी भी हादसा हो सकता है। ये जालियां 70 से 90 किलो के इंसान का वजन नहीं झेल सकती है। यही वजह है कि ये जालियां चलते समय कभी भी टूट सकती है। इस तरफ अगर जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।